This is Ghulam Mirza and you are watching English with Ghulam Mirza. Today we are going to discuss a very important and basic uh, topic of English literature and that is Age of Chaucer. If you are student of uh, an university and if you are student of literature, then this topic, this topic is gonna very important for you people. And if you are preparing for P.P.S.C. or any other exam like this. Uh, then this will be highly important video for you people so be connected and uh, let's start our today's topic age of chaucer age of chaucer is actually known as the opening moment of english literature uh, its time period was 1340 to 1400 first of all i would like to uh, talk about uh, the main uh, character of this age the main writer of this age and that is geoffrey chaucer जोफ्री चौसर इज़ कॉल्ड द फ़ादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड पोइट्री चौसर टाइम लाइन इज़ थर्टीन फोर्टी टू फोरटीन हंड्रेड इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ भी हो सकता है क्योंकि तारीख है दो तीन साल आगे पीछे भी हो सकता है तो बाज़ु बुक्स uh, पे इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो थर्टीन फोर्टी थ्री लिखी हुई है तो इससे आपने परेशान नहीं होना ही रोट डूरिंग मिडल इंग्लिश पीरियड ये मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान लिख रहा था ही लिवड अंडर द रेन ऑफ थ्री किंग्स ये एक इंपॉर्टेंट एम सिक्यूज भी बाजूक पूछ लेते हैं इस पी पी एस सी में ही लिव्ड अंडर द्री रेन ऑफ किंग थ्री किंग्स सॉरी रेन ऑफ थ्री किंग्स तीन बादशाहों के दौर में यह रहा है एडवर्ड थ्री रिचर्ड टू हैंनरी फोर जॉन ऑफ गांट द ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर एंड द फादर ऑफ हेनरी फोर वास चौसर पैट्रॉन पैटरन मीन होता है इसका सस्टेनर प्रोवाइडर जो इसकी पुष्ट पनाई कर रहा होता है तो जोन ऑफ गाउंड जो था वो इसकी वुश्तपनाई करता था वो इसके पीछे उस इस, इसका हाथ था मतलब जो भी ये काम करता था तो उसके पीछे ना मतलब वो होता था पॉपुलर वर्क्स अगर इसकी बात करें तो बुक ऑफ डचिस दफ़ हाउस ऑफ फेम द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड ट्रायलस एंड करा आर इस पॉपुलर वर्क्स इसका मैगनोपस जो है मीन दैट इसका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो है कंट्रीबरी टेल्स

Chaucer is a crucial figure in developing the legitimacy of vernacular Middle English at a time when the dominant literary languages in England were French and Latin. French और uh, जब इंग्लैंड में French और Latin बोली जा रही थी तो Chips पहला बंदा था जिसने वहाँ के native uh, uh, native accent को promote किया native language को promote किया mean that Middle English को promote किया तो इसलिए भी इसे father of English literature कहा जाता है uh, Born in 1340 during the reign of Edward III, एडवर्ड थ्री के ये दौर में ये पैदा हुआ था और रिचर्ड टू जो कि ग्रैंड सन ऑफ एडवर्ड थ्री है सक्सीडर हिम इन थर्टीन सेवनटी सेवन मीन दैट एडवर्ड थ्री की डेथ के बाद उसका बेटा रिचर्ड टू आ गया था थर्टीन सेवनटी सेवन में चौसर सर गार्ड थी रॉयल फेम्स एंड पेंशनस इसे बहुत सी रॉयल फेवर्स मिली मतलब कि ये रॉयल फेमस था मतलब इसे बादशाहों की तरफ से बड़ा नवाजा जाता था इन थर्टीन सेवनटी एट ही वॉज सेंट टू इटली ऑन वन ऑफ इज डिप्लोमेटिक मिशन इसे थर्टीन सेवनटी एट में डिप्लोमेटिक मिशन पर भेज दिया गया था इटली में इन थर्टीन नाइनटी नाइन देर वॉज द रेवोलूशन ड्यूरिंग विच लनकेस्टियन डाइनासिटी वॉज फाउंडेड एंड हैंनरी फोर बिकेम द न्यू किंग फोर न्यू किंग बन गया था और उस वक्त लनकेस्ट्रियन डाइनासिटी जब फाउंड हुई थी थर्टीन नाइन्टी नाइन में तो इसके अगर हम ये तो था इंट्रोडक्शन चौसर के बारे में कि चौसर कौन था अगर इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द एज ऑफ चौसर की अगर हम बात करें तो चौसर की एज में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा चौसर को समझने के लिए चौसर को पढ़ने के लिए तो लेट्स स्टार्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द एज ऑफ चौसर तो फर्स्ट वन इज़ द हंड्रेड इयर्स वार बिटवीन द इंग्लैंड एंड द फ्रांस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द टाइम लाइन ऑफ दिस वार इज़ थर्टीन थर्टी सेवन टू फोर्टीन फिफ्टी थ्री These are almost 116 years, but uh, this is known as the 100 years war in the history books, so uh, no need to uh, worry about this. Uh, this uh, 100 years long historic war resulted in heavy taxation. Uh, Iski reason kya thi why this war broke out? Uh, reason is actually the king of France ka किंग चार्ल्स फोर थर्टीन सेवन थर्टी सेवन में उसकी डेथ हो गई थी और चार्ल्स फोर का कोई बच्चा नहीं था लेकिन उसकी बहन जो थी लसबेला वो इंग्लैंड में रह रही थी और वो उसका बेटा था लसबेला का बेटा था एडवर्ड थ्री तो वो चाह रही थी कि उसका बेटा एडवर्ड थ्री ही फ्रांस का किंग बन जाए लेकिन फ्रांस वालों को ये बात मंजूर नहीं थी कि उनके इंग्लैंड में कोई बंदा आके उन पर कोई रूल करे तो इस वजह से फिर फ्रांस में फ़िलिप नामी एक बंदे ने ना किया है वहाँ पर दावा कर दिया किंगशिप होने का कि मतलब मैं किंग हूँ फ्रांस का नहीं हूँ तो इस वजह से फिर इन दोनों के दरमियान बड़ी जंग हो गई जंग शुरू हो गई और जिसके नतीजे में इंग्लैंड को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा और इसके अलावा इंग्लैंड के बहुत से ममालिक सेहदा भी हो गए तो उस उस इस बार में से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था इंग्लैंड को ओके जी Uh, इसके बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट इवेंट है एज ऑफ चौसर का दैट इज़ ब्लैक डेथ ब्लैक डेथ ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट uh, था एज ऑफ चौसर में अब इसमें तकरीबन टू हंड्रेड मिलियन मीन दैट टू हंड्रेड मिलियन आलमोस्ट इट्स ट्वेंटी करोड़ पीपल ट्वेंटी करोड़ लोग बीस करोड़ लोग उनकी डेथ हो गई थी ब्लैक डेथ की वजह से ब्लैक डेथ वाज एक्चुअली बेबियनिक प्लेग कास्ट बाय ब्लैक रैड्स अकर्ड फर्स्ट इन थर्टीन फोटी एट टू थर्टीन फोटी नाइन एक यथ ये हुआ था इसके बाद फिर ये रिवाइव हो गया था दोबारा ये आया था थर्टीन सिक्सटी वन थर्टीन सिक्सटी टू एंड थर्टीन सिक्सटी नाइन तो ब्लैक डेथ की वजह से पीपल स्टार्टेड द क्वेश्चनिंग ऑफ द पावर ऑफ गॉड एंड द चर्च बिकॉज वी नो दैट इन दैट एज चर्च वक्सप्लाइटिंग देवर देयर पावर्स चर्च व देर वॉज अलाट ऑफ करप्शन इन द चर्च एंड देर यूजिंग पीपल रिसोर्सिज एंड इन द नेम ऑफ रिपेंटेंस एंड मैनी मोर बट ब्लैक डेथ रियलाइज पीपल दैट दिज आर जस्ट फ्रॉड दे आर नाट दे आर सेवियर आर एनीथिंग लाइक दिस तो लोगों ने फिर खुदा पे सवाल उठाना शुरू कर दी चर्च की पावर कहाँ पर है तो मतलब हमें इंग्लैंड की वन थर्ड पॉपुलेशन इसमें डाइड हो गई थी बीस करोड़ बंदा मर गया था हमारे इतने लोग मर रहे हैं मतलब हर तीसरा बंदा मर रहा है तो ये चर्च क्या कर रहा है ये खुदा क्या कर रहा है खुदा कहाँ है तो लोगों ने क्वेश्चनिंग शुरू कर दी जो लोग थ्यू सन्टेक थे तो फिर हम देखते हैं एज ऑफ रिवाइवल में वो क्या हो जाते हैं वो फिर साइंटिफिक की तरफ आ जाते हैं फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ जाता है फिर साइंस की तरफ लोग चले जाते हैं क्योंकि लोगों ने देखा यहाँ पे कि उनकी कितनी बड़ी तबाही हो रही है लेकिन किसी को उनकी परवाह नहीं है चर्च को परवाह नहीं है तो इस वजह से एक बहुत बड़ा ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है चौसर की एज में तीसरा है दी पैसेंट्स रिवॉल्ट अगर पैसेंट रिपोर्ट की बात करें तो 1381 में चक्कर हुआ था और इसको लेट किया था वाट टेलर ने यह भी एक इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है पूछ लिया जाता है कि अक्सर कि हु वाज द लीडिंग फिगर ऑफ द पेजेंट रिपोर्ट तो दैट वाज द वाट टेलर आ, तो इसकी वजह यह थी हंड्रेड ईयर्स वार की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करने पड़ गए लोगों पर और उस गरीब किसानों पर इसका नतीजा यह हुआ किसानों ने आ, क्या अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जंग शुरू कर दी क्योंकि हुकूमत अपने फिनंशियल बर्डन को नहीं फेस कर रही थी फिनंशियल बर्डन नहीं बर्दाश्त कर रही थी तो उन्होंने फिर किसानों पर बोझ डालना शुरू कर दिया तो किसानों ने फिर अपने हकूक़ के लिए आ, इनके खिलाफ मैदान जंग में आ गए तो इस वजह से क्या है प्रिजेंट रिवोल्ट भी एक चेस्टर की एज का इंपॉर्टेंट करैक्टर है अपार्ट फ्राम दिस मेजर इवेंट्स देर वाज आल्सो करप्शन अमंग द कलर्ची इन द रोमन कैथलिक चर्च रोमन कैथलिक चर्च में बड़ी करप्शन हो रही थी देयर फॉर इन द एज ऑफ रिवाइवल मार्टिन लुधर टॉक अबाउट द इल प्रैक्टिस ऑफ रोमन कैथलिक चर्च एंड फॉलोअर ऑफ मार्टन केम टू बी नाउन एज प्रोटेस्टेंट इस वजह से मार्टन के जो फॉलोअर हैं उसको हम प्रोटेस्टेंट्स के नाम से भी जानते हैं uh, मतलब uh, सारा कुछ जो हुआ था करप्शन uh, बहुत हो रही थी रोमन कैथलिक चर्च में लेकिन मार्टिन लुधर किंग को ये बात पसंद नहीं आ रही थी तो उसने क्या है उनके ख़िलाफ़ बात की आवाज़ उठाई और उसके जानने वालों को हम क्या है प्रोटेस्टेंट्स के नाम से जानते हैं जी अगर इम्पोर्टेंट लिटरेरी फीचर्स की बात कर लें चौसर की एज के तो इंग्लिश बिकेम स्टैंडर्डाइज आई हैव ऑलरेडी टाक्ड अबाउट दैट एट दैट टाइम फ्रेंच एंड लिटर वज द फेमस लैंग्वेज बट इंग्लिश वॉज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दैट पीपल बट चौसर वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज इज द मिड लैंड डायलैक्ट बिकेम स्टैंडर्ड लैंग्वेज जस्ट बिकॉज ऑफ चौसर चौसर वाज यूजिंग मिडल इंग्लिश लैंग्वेज तो फ्रेंच एंड इंग्लिश कंबाइंड फॉर्म द स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज फ्रेंच और इंग्लिश uh, मिला के ये स्टैंडर्ड इंग्लिश आज कल हम बोलते हैं ये उसका मिक्सचर है तो ये चौसठ की एज में ही ये इंग्लिश स्टैंडर्डाज हुई थी इसके अलावा एज ऑफ़ इनोनीमिटी वॉज पासिंग अवे ऐज ऑफ इनोनीटी मतलब uh, कैसे पासिंग अवे हुई थी जिस तरह ब्यू वुल्फ है अब एज ऑफ चौसठ में लिखी गई लेकिन उसके राइटर का ही नहीं पता राइटर कौन है तो इस तरह uh, uh, चौसर की एज की अगर हम बात करें तो बहुत से राइटर अपना काम लिख रहे थे जिस तरह तो चौसर ने लिखा विलियम लैंगलैंड ने लिखा गोवर ने लिखा तो ये अपना क्या है अपना नाम यूज़ कर रहे थे लेकिन एज ऑफ़ चौसर से पहले आ, क्या था कि राइटर्स का पता ही नहीं होता था कि यह किसका वर्क है किसने ये लिखा हुआ है तो चौस्टर की एज में क्या था एनोनीबिटी का जो ट्रेंड था दैट वॉज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट तो थर्ड इम्पोर्टेंट लिटरेरी फीचर्स ऑफ द एज ऑफ द चौसर इज प्रोज प्रोज इमर्ज इन द एज ऑफ चोल सर ट्रेवल्स ऑफ सर जो मैंफ ट्रांसलेटेड लेटन बाइबल इन वर्नैकुलर इंग्लिश जो विकलिफ की जो ट्रांसलेशन है बाइबल की यह भी एक वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट है इन इंग्लैंड हिस्ट्री इन चर्च हिस्ट्री बिकॉज जौन विकल्फ से पहले जो जो भी बात होती थी वो मतलब कलर जी की लैंग्वेज में बात होती थी मतलब फ्रेंच में बात होती थी या इटली में आ, लिटर में बात होती थी जिसको एक आम आदमी एक ले मैन नहीं समझ पा रहा था तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था जॉन विकल्फ पहला बंदा था जिसने ये ज़रूरत महसूस की अपने कुछ साथियों के साथ ऑक्सफोर्ड आई थिंक ये ग्रेजुएट है ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है तो इसने अपने वहाँ कुछ साथियों के साथ ये जरूरत महसूस की के लेटर इसको इसको क्या है ट्रांसलेट करना चाहिए बाइबल को ताकि आम बंदे को पता तो चल सके कि गार्ड क्या कह रहा है मतलब क्या बात हो रही है तो इसने वो पहली दफ़ा आ, उसको लेटर इस, इसने बाइबल को ट्रांसलेट किया था फर्नेकुलर इंग्लिश में मतलब नेटिव इंग्लिश में तो इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ चौथा की बात अगर हम कर लें तो इनको हम तीन हिस्सों में तीन स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं पहली स्टेज है फ्रेंच दूसरी है इटालियन और तीसरी है इंग्लिश फ्रेंच स्टेज की अगर हम बात करें तो फ्रेंच स्टेज में इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क थे वो थे रोमाउंट ऑफ द रोज पेस्ड ऑन द ली रोमैट ली डी ला रोज रिटन इन आक टू कपलेट इन शह वी विल टॉक अबाउट इन द कमिंग पीडियोज अबाउट द आबक कपलेट द बुक ऑफ डचिस बुक ऑफ डचिस जो के चौसर ने अपने पेट्रॉन जोन ऑफ गड की वाइफ की डेथ के ऊपर लिखी थी तो बुक ऑफ डचिज़स भी आपकी पहली स्टेज में मतलब फ्रेंच स्टेज में ही आती है अगर इटालियन स्टेज की बात करें तो इटालियन स्टेज के नोटेबल वर्क्स थे द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स एंड डिडा एनलीडा एंड ट्रॉयस एंड क्राइसीडा चौसर द थीम ऑफ ट्रायलिस एंड क्रासीडा फ्राम बोकैियोज वर्क रिटन इन राइम रॉयल बोकैशियो के वर्क से मिस्टर चौसर ने इसको कापी किया था ट्रॉयस एंड क्राइसीडा इज नोन एज द चौसर टेस्टेड वर्क हाउस ऑफ फेम रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट लेजेंड ऑफ गुड वुमेन रिटर्न इन हेरोइ कपलेव तो ये भी एम सिक्यूज़ के तौर तो पर पूछा जा सकता है कि हाउस ऑफ फेम को किस तारस में लिखा गया है और लेजेंड ऑफ गुड वुमेन को भी किस तार्स में लिखा गया है अगर हम इंग्लिश स्टेज की बात करें तो इंग्लिश स्टेज का जो बेस्ट नाउन जो बैकनाओ वापस है चौसर uh, का दैट इज़ कंट्री ब्रिटेल्स कंट्री ब्रिटेल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ जोफ्री चौसर एंड we will talk about this uh, this landmark of the chips in the upcoming videos uh, till then take care and allah hafiz i hope uh, this video will be highly helpful for all of you if you are student or if you are uh, preparing for your exam so please help and support us till the next video take care and allah hafiz